Sahiwal campus This is the online lecture of mathematics grade 5 unit number 8 lines and angles and this is the first lecture of this unit in this lecture. We will cover the pages 140 till 143 first of all students open your books and your maths classwork notebooks and make sure you have to listen to my lesson Attentively. In this lesson, first of all, I will tell you about the angles. What is angles? In geometry, an angle can be defined as the figure formed by two rays meeting at a common end point. Angle हमारे पास क्या होते हैं कि हम लोग angle हम हम ऐसे define करते हैं कि एक figure होती है हमारे पास जो कि कैसे बनती है two rays दो लाइंस को मिलाने से अब रेस हमारे पास क्या होती है ले रेस हमारे पास होती है जिनके एक एंड पे हमारे पास क्या लगा होता है एरो एरो मींस के वो कंटिन्यू है ठीक है वो दो रेस जो है वो एक एंड पॉइंट पे मिल रही होती हैं अब उसके हम एक डायग्राम देखेंगे पहले हम मैं आपको इसके बारे में, में एक्सप्लेन कर दूँ एंगल्स के बारे में एन एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाई द सेम्बल दिस हेयर द एंगल बिलो इज एंगल ए बी ये आपके पास एंगल है अब ये देखिए ये ओ ए आपके पास एक रे है ओ बी आपके पास एक रे है और ओ ओ वो पॉइंट है जहां पर ये दोनों रेस जो है वो आपस में आके मिल रही हैं तो ओ हमारे पास क्या होगा कॉमन पॉइंट ठीक है तो ये एक एंगल बना रहा है जो ये पी शे जो आपको पिंक शेड में नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या शेड बनाएगा एंगल तो इसका एंगल क्या बन जाएगा ए बी एंगल्स आर मैर इन डिग्रीज यूजिंग अ प्रोटेक्टर हम प्रोटेक्टर के थ्रू जो है हम एंगल्स को मैयर करते हैं आप लोगों ने प्रोटेक्टर तो देखा होगा ना तो उस प्रोटेक्टर से हम क्या करते हैं एंगल्स को मैयर करते हैं नाउ स्टूडेंट्स ओपन पेज हंड्रेड हंड्रेड फोर्टी वन यू हैवे एग्जाम्पल पेस्ट एंड आइसक्रीम स्टिक ऑन द शीट ऑफ पेपर नेम वन एंड बी एंड द अदर एंड ए टेक एन अदर आइसक्रीम स्टिक एंड नेम्ड इट बी सी अब आपने क्या करना है कि आपने एक आइसक्रीम स्टिक लेनी है उसको आपने पेपर पे पेस्ट कर देना है उसके एक एंड को आपने नेम बी देना है और उसके दूसरे एंड को आपने नेम क्या देना है ए अब आपने एक और आइसक्रीम स्टिक लेनी है और उसको आपने नेम क्या दे देना है बी सी बी एक एंड को देना है और दूसरे एंड को क्या देना है सी गड आइसक्रीम स्टिक्स है कॉमन पॉइंट नेम्ड बी नाउ ज्वाइंट बोध द पॉइंट बोध दॉ बी वी फॉर्म एन एंगल एट बी अब वो कह रहे हैं कि जो आइसक्रीम स्टिक्स है उस पर क्या हुआ एक कॉमन पॉइंट आ गया बी आपको देखा है ना आपने के दोनों स्टिक्स में हमने जो है एक एक पॉइंट बी दिया है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा बी कॉमन पॉइंट अब मैंने क्या करना है अब मैंने दोनों आइसक्रीम स्टिक्स को जो है वो ज्वाइन कर देना है किस पे कॉमन पॉइंट पे और कॉमन पॉइंट क्या है बी तो हम दोनों के पास क्या बन जाएगा एंगल बन जाएगा ये देखिए ये हमारे पास एक आ गई एक को मैंने नेम दे दिया एक मैंने उसको बी दे दिया और सी तो मेरे पास एंगल किस पॉइंट पे बनेगा बी पे अब मैंने उस एंगल को नेम क्या दे दिए बी बी एंड बी सी आर टू आर्म्स ऑफ द एंगल एंड बी इज द वर्टेक्स ठीक है बी ए एंड बी सी जो है वो उसकी आर्म्स होंगी और बी क्या होगा हमारे पास वर्टेक्स कॉमन पॉइंट वर्टेक्स मीन कॉमन पॉइंट यू कैन नेम दिस एंगल एज ए बी सी और एंगल सी बी ए अब हम इस एंगल को नेम ए बी सी दे सकते हैं और सी बी ए आपने जस्ट इस चीज़ का ख़्याल करना है कि जो बी है वो आपके पास सेंटर में आना चाहिए जो वर्टेक्स है वो आपके पास सेंटर में आना चाहिए ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपका जो वर्टेक्स है वो आप उसको उसकी पोजीशन को चेंज करें नहीं आपने वर्टेक्स को सेंटर में ही रखना है या आप इसको नेम दे सकती हैं कोई भी जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको नेम क्या दे दिया है स्मॉल बी का उस पूरे एंगल को मैंने नेम क्या दे दिया है स्मॉल बी ये आपके पास आइसक्रीम स्टिक वाला के दो आइसक्रीम स्टिक लगाई हमने ए और ये बी और ये सी ठीक है नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ एन एंगल्स एंगल जो दो रेस जो एंग ज्वाइन करने के लिए एक एंगल बनाएंगी उन रेस को हम क्या कहते हैं आर्म अब यहाँ पे ओ एंड बी आर द आर्म्स ऑफ एंगल ए ओ बी वो हम अभी देखते हैं आगे पहले हम वर्टिक्स को देख लें द काम एंड पॉइंट एट विच द टू रेज मीट टू फॉर्म एन एंगल इज कॉल्ड दर्टिक्स हेयर द पॉइंट ओ इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल ओ ए बी ये आपके पास एंगल है ठीक है ओ ए आपके पास क्या है एक रे वो हमारे पास क्या बन जाएगी आम ओ बी आपके पास एक रे है तो वो क्या बन जाएगी आम और वर्टेक्स हमारे पास क्या होता है वो कॉमन पॉइंट जो टू रेस को आपस में मिला के एक एंगल बनाए तो वो पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा वर्टेक्स ठीक है यहाँ पर ओ हमारे पास क्या होगा वर्टेक्स ये हमारे पास आम ये हमारे पास आम और ये हमारे पास क्या हो जाएगा वर्टेक्स और ये हमारे पास क्या आ जाएगा एंगल नाउ वी कैन फाइंड एंगल्स इन वेरियस थिंग्स अराउंड अस हम अपने आसपास की चीजों में एंगल को देख सकते हैं अगर आप अपने आसपास की चीज़ों को देखें और ऑब्जर्व करें कि कहां-कहां पर आपको एंगल नज़र आ रहे? ओके फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीज़र को देखती हूँ एंड हॉकी स्टिक एंड अ चेयर ये मेरे पास सीजर है आपने सीज़र को ओपन किया हुआ है तो देखें वो एक एंगल बना रहा है ये जो आपको ग्रीन शेप में नज़र आ रहा है क्या ये एंगल बना रहा है ना इसी तरह से अगर मैं हॉकी को देखती हूँ तो ये देखें हॉकी स्टिक भी एक एंगल बना रहा है चेयर भी देखें चेयर पे भी एंगल बन रहे नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस डिस्कस द टाइप्स ऑफ एंगल्स एंगल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मयरमेंट्स एज द फर्स्ट टाइप इज एक्यूट एंगल्स सेकेंड इज राइट एंगल थर्ड इज ऑबट्यूस एंगल Fourth is straight angles and the last one is reflex angle. Now I will tell you one by one. Acute angle. What is acute angle? An acute angle is an angle that measures less than 90 degrees. Acute angle हमारे पास क्या होगा कि जो मायर करेगा एंगल को less than 90, 90 degrees से कम एंगल्स की जो मायरमेंट होगी वो एंगल्स हमारे पास क्या होगा? Acute angle. Good. ट्राइंगल फॉर्म बाई ऑल दइर एंगल्स 90 इज नोन एज एन एक ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसके सारे एंगल्स जो हैं वो लेस देन 90 मैर कर रहे हैं तो वो हमारे पास ट्राइंगल क्या होगी एक्यूट ट्राइंगल फॉर एग्जांपल इन एन एक्वेलेट्रल ट्राइंगल ऑल थ्री साइड्स मयरस 60 डिग्रीज मेकिंग इट एन एक ट्राइंगल अब आपको पता है इक्वलेटरल ट्राइंगल क्या होती है इक्वलेटरल ट्राइंगल हमारे पास वो ट्राइंगल होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और डेफिनेटली अगर सारी साइड्स इक्वल है इट्स मीन उनके सारे एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल ठीक है तो अगर एंगल इक्वल होंगे तो ईच एंगल हमारे पास ट्राइंगल में क्या आ जाएगा 60 डिग्रीज क्योंकि जो सम ऑफ थ्री एंगल्स हमारे पास क्या होता है 180 एटी डिग्रीज तो एक एंगल किसके इक्वल आ जाएगा 60 डिग्रीज के तो फिर अब देखिए 60 डिग्री जो है वो 90 से कम है इट्स मीन वो हमारे पास क्या बन जाएगा एंगल, तो यहां पे सारे एंगल जो है वो 60 के होंगे तो वो एक्यूट एंगल जो होगी वो क्या होगी एक्यूट ट्रायंगल बन जाएगी ये देखिए ये आपके पास एक्यूट ट्रायंगल है नाउ नेक्स्ट वन इज राइट एंगल्स when टू स्ट्रेट lines intersect each other at 90 degrees or are perpendicular to each other at the intersection. They form the right angle. A right angle is represented by the symbol this. अब वो कह रहे कि के दो lines, दो straight lines हैं, वो एक दूसरे को intersect करी हैं 90 degrees पे. और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही हूँ दे फॉर्म वो क्या बनाएंगी एक राइट right एंगल मतलब कि आप इन शॉर्ट वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो राइट right एंगल है वो एंगल क्या होगा इक्वल टू 90 डिग्री वो 90 डिग्री को मैय करेगा अगर वो 90 डिग्री से कम हो जाएगा तो वो एक्यूट एंगल हो जाएगा 90 डिग्री से ना ज़्यादा होगा तो वो अभी मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या होगा लेकिन अगर वो इक्वल टू 90 है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा राइट right एंगल और राइट right एंगल को हम इस सब्बल से रिप्रेजेंट करते हैं ये हम देखते हैं यहाँ पे देखें ये दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी है और वो एक दूसरे के क्या हैं परपेंडिकुलर हैं तो ये एंगल ए बी सी हमारे पास क्या हो जाएगा राइट एंगल नाउ नेक्स्ट इज ऑप्टूस एंगल एन ऑप्टूस एंगल इज़ अ टाइप ऑफ एंगल डैट इज ऑलवेज लार्जर दैन नाइन्टी डिग्रीज बट लेस दैन 180 एटी डिग्रीज इन अदर वर्ड इट लाइज बिटवीन नाइन्टी एंड वन अब ऑप्टिज़ एंगल हमारे पास क्या होगा ऑप्टीवस एंगल हमारे पास वो एंगल होता है जो ग्रेटर देन 90 होगा लेकिन लेस देन 180 होगा मतलब कि वो 90 से 180 के दरमियान में लाई करेगा ना वो 90 से छोटा होगा और ना ही वो वन से ग्रेटर होगा इन द गिवन फिगर एक्स वाई जी शोज एन ऑप्टीव एंगल ये देखें ये ऑप्टूस एंगल शो कर रहा है एंगल क्या है यहाँ पे 120 ट्वेंटी डिग्रीज अब 120 ट्वेंटी डिग्रीज आप देखें 90 से ग्रेटर है लेकिन 180 से स्मॉलर है तो ये क्या हो जाएगा ऑप्टीव एंगल हो जाएगा लेट लेटेस्ट रिकॉल द थ्री टाइप्स ऑफ द एंगल्स वी लर्न इन द प्रीवियस ग्रेड ये वही आप लोग जो हैं ये प्रीवियस ग्रेड में पढ़ भी सके हैं मैंने आपको दोबारा एक्सप्लेन भी कर दी है ये देखें हम दोबारा रिकॉल करते हैं नाउ स्टूडेंट्स टेल मी वट इज़ दिस वेरी गुड 90 डिग्रीज है तो 90 डिग्रीज को मैं कौन सी आ जाएगी राइट एंगल दिस इज राइट एंगल नाउ लुक एट दिस वन यहाँ पे एंगल जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है एटी तो एटी डिग्रीज ये कौन सी टाइप ऑफ एंगल होगा गुड एक्यूट एंगल होगा नेक्स्ट अब ये एंगल आपके पास 125 डिग्रीज है तो ये कौन सा एंगल होगा कौन सी टाइप होगी गुड ऑब्यूस एंगल होगा ये

वो दोनों वर्टेक्स से अपने वाइड वर्टेक्स से क्या होंगी ऑपोजिट डायरेक्शंस पे होंगी लेकिन वो एक सेम स्ट्रेट लाइन बनाएंगी और वो दो इक्वल राइट एंगल्स बनाएंगी यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शंस जो हैं वो डिफरेंट हैं अपने वर्टेक्स से लेकिन वो क्या बना रहे हैं एक नाइन्टी डिग्रीज के दोनों एंगल्स बना रहे हैं कट टू राइट एंगल्स एंड प्लेस देम नेक्स्ट टू ईच अदर आप दो राइट right एंगल्स को कट करें और दोनों को आप क्या करें एक दूसरे के साथ प्लेस कर दें तो आपके पास वो क्या बना देंगे ये दिस इज अ स्ट्रेट एंगल वो एक स्ट्रेट एंगल बना देंगे ठीक है अ स्ट्रेट एंगल मयर्स 180 एटी डिग्रीज एंड इज फॉर्मड ऑन अ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट एंगल जो है वो 180 एटी डिग्रीज को मैयर करेगा और वो स्ट्रेट लाइन पे बना होगा टू राइट फॉर्म अ बिग मयरिंग वन एटी डिग्रीज दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल आपने नोट किया होगा कि जो दो राइट एंगल्स हैं वो मिलके एक बिग एंगल बना रहे हैं जो कि मैयर करता है 180 एटी डिग्रीज इट्स मीन के दो राइट एंगल्स मिलके एक स्ट्रेट एंगल बनाएंगे ठीक है नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप इज रिफ्लेक्स एंगल व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल अ रिफ्लेक्स एंगल इज अ ग्रेटर इज ग्रेटर देन 180 एटी डिग्रीज बट स्मॉलर देन 360 सिक्सटी डिग्रीज अब हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा कि वो 180 एटी डिग्री से ग्रेटर होगा लेकिन वो 360 से स्मॉलर होगा ये देखें अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एंगल जो है वो 180 डिग्री से स्मॉलर है लेकिन सॉरी 180 डिग्री से ग्रेटर है और 360 से स्मॉलर है आउटसाइड एंगल तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल नाउ स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 142 हंड्रेड एग्जाम्पल इज जो कट्स आउट अ पीस ऑफ पेपर एंड प्लेस इट ऑन अ स्ट्रेट लाइन जिम्बू ने एक पीस ऑफ पेपर को कट किया है और उसको स्ट्रेट लाइन में पेस्ट कर दिए इस तरह से ये अब आपने बताना है कि ये एंगल क्या बनेगा जे के एल ये एंगल आपने पहले बताना है कि ये कितना होगा जी आप देख सकते हैं कि जो एंगल है ये 180 एटी से ग्रेटर है तो ये कौन सा एंगल होगा गुड रिफ्लेक्स एंगल होगा सो एंगल जे के एल इज अ रिफ्लेक्स एंगल नाउ प्रैक्टिस जोन नाउ स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 141 क्वेश्चन नंबर वन ए गिव टू वेज टू नेम ईच एंगल ये आपके पास है अब आपने इनको नेम देने हैं क्या नेम देंगे हम फर्स्ट में क्या करेंगे गुड ए ओ बी नेक्स्ट हम क्या करेंगे गुड बी ओ ए ये हमारे पास टू वेज है कि हम लोगों ने वर्टेक्स चेंज नहीं करना उसको हमने मिड में ही रखना है हम लोग उनकी जो दूसरे जो एंड पॉइंट्स है उनको चेंज कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू ए पार्ट ऑन पेज 141 ड्रॉ एंड लेबल द फॉलोइंग एंगल्स हमने ड्रॉ करना है और उनको लेबल करना है मैं अपनी तरफ से कोई भी एंगल ले लेती हूँ मैंने इसको 90 डिग्रीज ले लिया मैं एक पॉइंट यहाँ पे लगाऊंगी एक पॉइंट इधर लग जाएगा और एक आपका कॉमन पॉइंट बन जाएगा ये अब मैं लाइंस मिला ड्रा कर देती हूँ मैंने लाइंस ड्रा कर दी अब इनको नेम दे देते हैं एक को मैंने एक्स दे दिया वाई आपके पास मिड में है इट्स मीन के वो आपके पास क्या होगा कॉमन पॉइंट होगा तो मैं वहाँ पे वाई कर देती हूँ और फिर लास्ट वाला पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएगा Z X Y Z ये एंगल बन गया हमने ड्रॉ कर दिया सो दिस इज द एंगल ओके नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर वन ए पार्ट ऑन पेज 143 नेम ईच टाइप ऑफ द एंगल हमने नेम देना है ये आपके पास एंगल ए है और आपके पास एंगल बी है एंगल ए अगर आप देखें तो वह आपके पास लेस देन 90 डिग्रीज है तो वो क्या हो जाएगा गुड एक्यूट एंगल अगर आप एंगल बी देखें तो वह आपके पास जो ब्लू शेडेड पार्ट है वो ग्रेटर देन 180 एटी डिग्रीज है तो फिर वो हमारे पास क्या आ जाएगा गुड रिफ्लेक्स एंगल नाउ स्टूडेंट्स यू हैव अ होमवर्क आपने ये अपने होमवर्क जो है आपने अपनी डायरी पे लिख लेना है What's your homework on page number 141 do question number 1 b and c part question number 2 b and c part question number 3 on your book on page 143 do question number 1 b c d on your notebooks okay students this is the end of our lesson allah hafiz